हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल आईटीआई ऑनलाइन पे मैं लगातार आईटीआई से रिलेटेड नोटिफिकेशन लाता रहता हूं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी टोटल जितनी भी नोटिफिकेशन है आईटीआई से रिलेटेड जॉब की, तो आपको वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कोचिंग शिपयार्ड की नोटिफिकेशन आई हुई थी उसके रिगार्डिंग, तो ये एक और वैकेंसी आपके कोचिंग शिपयार्ड से ही सामने आ रही है। तो चलिए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन सी वैकेंसी आपके लिए निकली हुई है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है। दोस्तों, ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है 16 जून 2022 की। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले बात कर ले, ए नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पे सेमी स्किल रिगर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, यहाँ पे क्वालिफिकेशन 5 दिन 6 स्टैंडर्ड मांगा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिगिंग, ऑफ विच 2 ईयर इन रिगिंग ऑफ हैवी ड्यूटी मशीन पार्ट, असिस्टिंग इन द इरेक्शन ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट एटसेट्रा, गुड नॉलेज ऑफ स्प्लिसिंग वर्क ऑफ वायर रोप्स। दोस्तों, यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे 3 साल का मांगा गया है रिगिंग के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात, आपको रिगिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पे स्टैंडर्ड आपका 6 स्टैंडर्ड रखा गया है। जैसे कि रोप वगैरह रहते हैं बड़े बड़े मशीनरी को, हैवी मशीनरी को उठाने के लिए, तो उस रोप को आपको खुद हाथ से नहीं उठाना बल्कि मशीन्स लगी रहती हैं, मशीन को ऑपरेट करना रहता है। जैसे क्रेन वगैरह बड़ी बड़ी लगी रहती है, तो बड़े बड़े जॉब्स को उठाने के लिए, इधर से उधर किसी पार्ट्स को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको रिगर बोलते हैं जो रिगिंग करते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यह है इसका फोल्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे आपको आईटीआई एनटीसी शीट मेटल वर्कर या पाइप फिटर से आईटीआई हो, प्लम्बर से, फिटर विद 1 ट्रेड और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, 1 या 2 साल का ट्रेनिंग इन जनरल स्ट्रक्चरल इसका फोल्डिंग और रिगिंग वर्क में, या फिर आपको 10th पास मिनिमम ऑफ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग इन जनरल स्ट्रक्चर और इसका फोल्डिंग या रिगिंग वर्क में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लें यहाँ सेफ्टी असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ 3rd पोस्ट निकली हुई है, पास इन SLC यानी कि 10th पास होना चाहिए आपको, प्लस आपके 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए सेफ्टी या फायर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और पब्लिक सेक्टर से, या प्लस आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन सेफ्टी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अ फैक्ट्री। यह आपकी फायरमैन की पोस्ट निकली हुई है, तो यहाँ पे फायरमैन भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 10th होना चाहिए इसमें, प्लस आपको 4 to 6 मंथ फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए फ्रॉम अंडरटेकिंग स्टेट फायर फोर्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सर्टिफिकेट इन न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस एंड डैमेज कंट्रोल NBCT फायर फाइटिंग ऑन बोर्ड शिप्स फ्रॉम आर्म फोर्स रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि आर्म फोर्स रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइटिंग इन स्टेट फायर फोर्स इन अ लार्ज इंडस्ट्रियल टेकिंग और इन द आर्म फोर्सेज और इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इन प्राइवेट कंपनीज, ड्यूटी इंक्लूड फायर सर्विलांस फायर फाइटिंग एक्टिविटीज इन कंफाइंड स्पेसेस व्हीसल अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी है कुक फॉर CSL गेस्ट हाउस। यहाँ पे 7th क्लास स्टैंडर्ड मांगा गया है, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी PSU में आपने कैंटीन में काम किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिजायरेबल है अगर मलयालम आती है आपकी। यहाँ पे चलिए दोस्तों नीचे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लें तो आपकी इम्पोर्टेंट डेट रहने वाली है, ओपनिंग डेट होगी 24 जून से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, उसकी लास्ट डेट है 8 जुलाई, यानी कि अभी काफ़ी कम टाइम बचा है। अगर आपको अप्लाई करना है तो प्लीज़ जल्दी अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे पोस्टों की बात कर लें तो यहाँ पे पोस्टें इस टाइप के डिवाइड की गई हैं। यहाँ पे सेमी स्किल ऑन रिगल कॉन्ट्रैक्ट पे तो टोटल 53 पोस्ट हैं, इसका फोल्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ टोटल 5 पोस्ट हैं, सेफ्टी असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे 18 पोस्ट हैं, फायरमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे 29, कुक फॉर CSL गेस्ट हाउस के लिए 1 पोस्ट है, टोटल यहाँ पे 106 पोस्टें रखी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने डिसेबिलिटी के बारे में बताया, तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन यहाँ पे इन्होंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया, तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर यहाँ रखा गया, सब्जेक्ट टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, और अगर प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो आपको बढ़ाया भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद आपको निकाल देंगे, ये कंटिन्यू ही करते हैं, तो ये वैकेंसी आप श्योर शॉट मान के चलिए, इसमें आपको परफॉर्मेंस
बेसिस पे टेस्ट होता है, उसके बाद वो इजीली आपको पास कर देते हैं और आगे आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद निकाल ही दिया जाएगा, अगर उनको प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे, जैसा कि उनको प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं और ये इनकी जॉब चलती रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप पेमेंट के बारे में बात कर लें तो फर्स्ट ईयर में आपको 22,100 रुपये मिलने वाला है। इधर आपको एक्स्ट्रा वर्क के लिए कंपनसेशन 4,600 रुपये मिलेगा। सेकेंड ईयर में 22,800 है और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आवर्स की वर्किंग में 4,700 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। और थर्ड ईयर की पेमेंट आपको 23,400 रुपये है, इसमें एक्स्ट्रा वर्किंग आवर आपको 49,000 रुपये दिए जाएंगे। एज के बारे में इन्होंने यहाँ बताया हुआ है, आपकी एज यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे डेट इम्पोर्टेंट है 8 जुलाई 2022 को, यानी कि 9 जुलाई 1992 से पहले के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके बाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए दोस्तों। और अगर SC ST की बात कर लें तो यहाँ पे इनको 3 साल की OBC को और 5 साल को SC ST को छूट दी जाती है। ये रिजर्वेशन के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन की वेटेज के बारे में बात कर लें, कहाँ से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले सेमी स्किल रिगर ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे टोटल प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन होंगे 100, टोटल मार्क्स के 100 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, ना ही कोई रिटन टेस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेम इसका फोल्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यहाँ पे आपकी 80 मार्क्स रहने वाले हैं, रिटन का कोई मार्क्स नहीं होगा और 20 मार्क्स के फिजिकल होंगे, टोटल 100 मार्क्स का है। सेफ्टी असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यहाँ रिटन एग्जाम 70 नंबर का है, इसमें 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में और यहाँ पे कोई फिजिकल एग्जाम नहीं होना है। फायरमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम नहीं होना है, 70 मार्क्स के आपके पेपर होंगे और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल रखा गया है। ऐसे CSL और गेस्ट हाउस के लिए यहाँ टोटल रिटन एग्जाम 20 मार्क्स का होगा, 80 का आपका प्रैक्टिकल है और फिजिकल टेस्ट आपका नहीं है इसमें दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अंदर यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि एप्लीकेशन EWS का कैसे लाना है, तो वो इतना वो चीज़ें आप जानते होंगे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन AICTE से अप्रूव होना चाहिए, जैसे कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर आप ITI के हैं तो NCVT या SCVT से अप्रूव होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के एक्ट के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे पेमेंट के बारे में बात कर लें तो आपकी पेमेंट यहाँ पे 200 नॉन रिफंडेबल होगी इन केस ऑफ जनरल और EWS की, EWS प्लस OBC की। और अगर आप SC ST हैं तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। तो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI वॉलेट से कर सकते हैं। 24 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने साइट दी हुई है www.coachingshipyard.in पे जाके आप करियर पेज में जाएंगे और करियर पेज से आप CSL कोची का फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही नई नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अदर आपकी ITI से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आती है तो इस चैनल पे आपको तुरंत मिल जाएगी। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।